आ गई आ गई, बैठो 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 बैठो। कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? ताई ना। अरे ताई तो मान जाएगी शादी के लिए। घर कहाँ है? घर ताई ना, ताई ना। अरे ताई मान जाएगी भाई, चाइना बोल रही है, चाइना। अच्छा पता नहीं क्या कोरोना वायरस बोल रही है। कोरोना वायरस अभी तक आपने इसका नाम नहीं सुना है तो? और भाई तुझे कोरोना वायरस में पता है? हाँ, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा और देखा भी है उसे। देखा? हाँ। अरे वाह। अबे वो क्या है? अबे यही तो है कोरोना वायरस। नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, लेकिन आप जीते किस दुनिया में हो भाई? तो कितने दिनों से कोरोना चाइना, कोरोना चाइना, कोरोना चाइना, मतलब ये सुन सुन के अब ये लगने लगा है कि चाइना मोबाइल और प्रोडक्ट से कम और ये कोरोना वायरस से ज्यादा फेमस हो गया। खैर, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो फोकट के ज्ञान देने वाले रोड चौराहे और सोशल मीडिया पर भर भर के मिल जाएंगे, जैसे कि मैं। अपना अपने आप को नहीं बोलना था। तो आज का मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे ये शराबियों के मेडिसिन। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो आज हम इसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो भाई जब से ये कोरोना नामक वायरस की न्यूज फैली है वायरस से भी ज्यादा तेज, तो लोगों को कोरोना तो दूर चाइना के नाम से भी फटने लग रही है। हाय ब्रो, बहुत दिन बाद। हाँ भाई, क्या गए थे? चाइना गए थे। इतना ज्यादा खौफ। हाय बेबी, हाउ आर यू? तो भाई हो सकता है कोरोना चाइनीज शब्द हो, लेकिन हमारे इंडिया में इसका कुछ और ही मतलब निकाला जा रहा है और कुछ इस तरह की कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। क्या हुआ? कोरोना। कैसे? कोरोना और क्या यहाँ पे? हाँ सीरियसली? अबे कोरोना वायरस से मरे हो, चल निकल। लोग इसे भी अश्लील बना के छोड़ेंगे। तो भाई ये सब तो बात है ही, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स भी है, जैसे ये। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस। वो कोरोना वायरस से बचने के लिए टिकटॉक भी चलाना बंद करना पड़ेगा क्या? क्योंकि ये भी तो चाइना का है। गुड क्वेश्चन सस्ता मुन्ना भाई, और आपका जवाब मैं दिलवाई देता हूँ। तुझे पता है कोरोना वायरस चाइना से भारत में फैलने वाला दूसरा वायरस है, तो पहला कौन था यार? भाई तुझे नहीं पता? टिकटॉक। भाई यार सच में दिल की बात बोली है, मतलब इन टिकटॉक के वालों के वजह से हम यूट्यूबर्स की लगी पड़ी है। खैर मैं बाद में जाके रोलूंगा, और डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का है, अब आप देख ही लीजिए। चलो अमित खड़ो। जी सर। एक से दस तक गिनती सुना। एक दो तीन चार पाँच छ सात नौ दस। आठ कहाँ गया? खा गया? सर वो आज अखबार में पढ़ा था मैंने कि कोरोना वायरस से आठ की मौत। तो भाई वायरस तो वायरस ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक इसका खौफ है। और नहीं अभी तक कोई इसका इलाज मिला है, लेकिन मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, और इतना तो उम्मीद है मेडिकल साइंस हमेशा जब भी कोई वायरस होता है तो उसका सोल्यूशन निकाल लेती है। खैर लेकिन अब हम आते हैं इसके सेफ्टी पे। तो पहला सजेशन ये है कि अपने मुंह पे मास्क लगा के चले, कुछ इस तरह का। पर भाई ये मास्क लगाना भी एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए सही है, पर उनका क्या जिन्होंने कभी जीवन में मास्क ही नहीं लगाया, तो वो ये होगा। हादसा हो सकता है।
तो ये तो रही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सलाह, और भी बहुत सारे सलाह है जो कि आपको पहले से मालूम होगा, इतना तो उम्मीद करते हैं आपसे। पर भाई सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे विद्वान भरे पड़े हैं और वो कोरोना वायरस से बचने का ऐसे ऐसे उपाय बता रहे हैं। मतलब ये कि पीने वाले को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं, वैसे भी पीने वाले लोग अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। तो भाई इस थ्योरी से 4-5 साल को मद्देनजर रखते हुए इसे कैलकुलेशन किया जाए तो कुल मिला के ये रिजल्ट आता है कि 4-5 साल बाद सिर्फ बेवड़े ही इस धरती पे बचे रहेंगे। तो भाई ये दावा लोगों को इतना सच्चा क्यों लग रहा है? दावा मतलब खाने वाला नहीं, दावा समझ सकते हैं आप। तो भाई ये दावा लोगों को इतना सच्चा इसलिए लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है ये पेपर कटिंग। लोगों को पेपर पे बहुत ज़्यादा भरोसा आता है, पता नहीं ये किधर से उछल के आया है या इसमें क्या एक्चुअली इसका क्या मतलब है, उतना साफ साफ दिख नहीं रहा है इसमें। तो इस पेपर कटिंग को बहुत ज़्यादा शेयर किया गया है, और दूसरी बात कोई न्यूज़ चैनल इसका एनालाइज कर रहा है तो उसका जो वहाँ पे ऊपर हेडलाइन शो करता है कि ये दावा जो है ये दावा किया जा रहा है, तो बस उतना कोई स्क्रीनशॉट लेकर लोग उसे भी शेयर कर दे रहे हैं। तो लोगों को ये लगने लग रहा है कि ABP आज तक और भी बड़े बड़े चैनल इसको सच्चा मान रहे हैं, और बेवड़े लोग तो ज़्यादा ही खुश है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ गलत है, और आप भी मतलब मत फैलाइए। आप इस वीडियो को फैला सकते हैं ताकि अब मुझे भी फायदा हो जाए, थोड़ा लोगों को भी जानकारी मिल जाए, समझ सकते हैं सबकी भला। तो पहली बात तो ये कि ये दावा बिल्कुल झूठा है, और दूसरी बात ये कि इनके एक्सपर्ट से पूछा गया तो उनका ये कहना है कि जो पीने वाले लोग हैं उनको तो और खतरा है। आप बोलो भाई, बोलो। हाँ, और आखिरी और सबसे अहम बात कि कोरोना वायरस इतना भी खतरा नहीं है जितना कि लोगों में खौफ है। इसका मृत्यु दर 2-4% तक है ऐसा बताया जा रहा है, मतलब 100 लोगों को हो तो दो से चार लोगों को मरने का डर है, 2-3-4 जो भी है कुछ इस तरह का है। और जल्दी इसका इलाज भी आ जाएगा, उम्मीद करते हैं निकाल ही लेगा, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है, और खैर अब तो इंडिया तक भी पहुँच गया है। तो जो भी हो, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम सतर्क रहे ताकि हमें भी ना हो, लोगों को भी ना हो, क्योंकि वायरस होता है, फैल गया तो फैल गया, काफ़ी दिक्कत महामारी शुरू हो जाती है। तो सतर्क रहिए, आपकी जिम्मेवारी है। और हम आपको दो लाइनों के साथ छोड़े जाते हैं, कभी चावल प्लास्टिक के, ये सब चाइना वाले का ही कारनामा है, तो कभी चावल प्लास्टिक के तो कभी नोट जाली हो गया, मैंने मजाक में चाइना से आ रहा हूँ क्या कह दिया, सारा महफिल खाली हो गया। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बचे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।